ডক্টর কাফিল খান দ্য কোরখফুর হসপিটাল ট্র্যাজেডি বইয়ের প্রণেতা। না কোনো ক্রিয়েটিভ থ্রিলার, না কোনো রোমান্টিসিজম জমানো গল্প, একজন সৎ মনোভাবপন্ন চিকিৎসকের কঠিন বাস্তবতায় কাঠাময় ভরা সাহসিকতা স্মৃতিরোমন্থন। 2017 সালে 70 জনের বেশি শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েও খলনায়ক কাফিল খান উত্তরপ্রদেশ সরকারের হস্তক্ষেপে জেলে কাটতে হয়। কাফিল খান নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই সোজা সাপটার লেখায় আত্মজীবনীমূলক লেখনীর মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরলেন। প্রকাশক প্যান ম্যাকমিলান রবিবার প্রেস ক্লাবে এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে তুলে ধরলেন নিজের জীবনের অনেক অজানা কথা, গড়তে চান হসপিটাল, করতে ইচ্ছুক মানুষের জন্য সেবার কাজ। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডক্টর বিজন বেরা, ডক্টর অশোক সামন্ত, ডক্টর তরুণ মণ্ডল, বিমল চ্যাটার্জি, গায়িকা পুতুল মুখার্জি সহ বহু বিশিষ্ট জনের। वहाँ पे इवन दो हम लोगों की लैंग्वेज डिफरेंस है, इवन दो हम लोगों का रहना सहना डिफरेंस है, इवन दो हमारी खान पान में डिफरेंस है, पर इतना प्यार मिलता है और इतना फैमिली टर्म होता है कि मुझे फैमिली की तरह रखते हैं। अभी आज भी मैं जिस गेस्ट हाउस में हूँ ठहरा हूँ हिमांत चटर्जी जी का है, और उन्होंने सुबह सुबह मुझे नाश्ते में खुद ही इज द ओनर ऑफ दैट गेस्ट हाउस, उन्होंने खुद मुझे सैंडविच बना खिलाया और दोपहर के लंच में मुझे जो है फिश करी विद राइस खिलाया। तो एक फैमिली टाइम मिलता है। उनको मेरी कहानी के बारे में पता था, उनको मेरी वाइफ के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरी पूरी फैमिली के से क्या गुजरा है वो पता था, और एक जो सॉलिडिटी है, जो सपोर्ट है, वो जो मुझे यहाँ के लोगों से मिला है, जब भी यहाँ आता हूँ मुझे डर नहीं लगता, मुझे मैं अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करता हूँ, सेफ महसूस करता हूँ, और मुझे एक प्यार मिलता है जो अपनापन लगता है। दैट इज समथिंग। मेडिकल सर्विस सेंटर की आपको एग्जांपल दे दूँ, मैं इसी प्रेस क्लब में बिपला सर से मिला था, और आज वो नहीं है, आज उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनकी पूरी टीम देखिए पिछले 1-2 घंटे से खड़ी है, और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ फिर भी वो खड़े हैं। तो ये प्यार है, समझिए आईएमए के प्रेसिडेंट साहब सर भी हैं यहाँ पे, तो इट्स अमेजिंग। ये बुक ना सिर्फ मेरे बारे में है, ये बुक जो है हेल्थ सिस्टम के जो कमियाँ हैं उसको उजागर करती है। ये बुक बताती है कि जो सत्ता में जो सरकार चलाते हैं वो कितने बेहिस हो जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, और ये बुक ये भी दिखाती है कि एक डॉक्टर के लिए जो है कोई जाति या धर्म नहीं होता है, उसके लिए मरीज को बजाना सबसे बड़ा वो होता है, सुप्रीम होता है, उसको सिखाया ही जाता है कि किसी भी तरह से मरीज को बचाना है। इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि मीडिया का रोल किस तरह से है, कि वो जो है सोशल मीडिया से खबरें उठाने लगी है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ग्राउंड लेवल। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझसे जानना चाह रहे हो, और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे उस टाइम जो है वो गोरखपुर नहीं आए, और उन्होंने मीडिया सोशल मीडिया से ही उठा के मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया। वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए 40 साल की उम्र होनी चाहिए, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया, आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के लिए प्रोफेसर होना चाहिए, सुपरिटेंडेंट बना दिया, सुपरिटेंडेंट बनने के लिए 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने क्रिएट किया कि जब मैं सुपरमैन हूँ तो मैं पूरा हॉस्पिटल चला रहा हूँ। आप ये देखिए, एक स्टोरी चलाई थी रजत शर्मा नाम है, शायद इंडिया टीवी चलाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं सिलेंडर जो है अपने कंधे पे चोरी करके अपने प्राइवेट क्लिनिक ले जाता था, और ये सिलेंडर देखिए कितना बड़ा है, 100 फीट लंबा ये टैंक है जिसमें 1.5 लाख जो है लीटर ऑक्सीजन आती है। तो आप सोचिए 1.5 लाख लीटर इतना बड़ा 100 फीट का टैंक को मैं अपने कंधे पे उठा के अपने प्राइवेट क्लिनिक ले जाता था, ये कौन कह रहा है, एक बड़ा जर्नलिस्ट अपने टीवी पे, और लोग उसको यकीन कर रहे हैं। तो दिस इज द ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।